सर आत नाही झालं आत नाही पाय दोन्ही लावीन चल तिकडे पलीकडे चल तुला तिकडे पलीकडे नमस्कार दोस्तों मैं हूं युसुफ अली आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव आइए देखते हैं आज की खास खबर। गणेश चतुर्थी के दिन मुंबई लालबाग गणपति दर्शन कवरेज करने गए पत्रकार के साथ पुलिस अधिकारी ने की धक्का मुक्की मामले ने पकड़ा तूल। आज देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। 10 दिन तक चलने वाले गणेशोत्सव का आज पहला दिन है। गणपति का त्यौहार वैसे तो देश के अधिकांश हिस्सों में मनाया जाता है लेकिन महाराष्ट्र में गणपति त्यौहार का अपना अलग ही महत्व है जिसमें मुंबई के दादर में स्थित सबसे बड़े गणपति मंडल लालबाग की अपनी अलग ही पहचान है। लालबाग में गणपति दर्शन के लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों भक्त दूर दूर से आते हैं। करोड़ों रुपए का चढ़ावा हर साल लालबाग के भंडार से निकलता है। लालबाग में प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी कड़ी और चाक चौबंद होती है। वर्तमान समय में कोरोना महामारी के चलते लालबाग में दर्शन करने जाने वालों पर पाबंदियाँ लगाई गई है और कम लोगों के दर्शन की परमिशन दी जा रही है। ऐसे में मुंबई के कुछ पत्रकार आज सुबह लालबाग में जारी दर्शन की कवरेज अपने चैनल पर दिखाने लालबाग गए तब वहाँ सुरक्षा व्यवस्था में तैनात एक पुलिस अधिकारी ने एक पत्रकार के साथ बदतमीजी करते हुए पत्रकार को धक्का मुक्की की। पत्रकार को धक्का देने के समय पत्रकार ने जब सवाल किया कि सर आप हाथ क्यों लगा रहे हैं तब मुझ और पुलिस अधिकारी ने कैमरे के सामने ही यहाँ तक कह दिया कि हाथ क्या मैं तुम्हें पैर भी लगाऊंगा और धक्का मारने लगे। इस घटना की मुंबई के पत्रकार संगठन ने ट्विटर पर निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी घटना की निंदा करते हुए सरकार पर हमला बोला। देखिए ये पूरा मामला ब्यूरो रिपोर्ट सेफ न्यूज लाइव। मीडिया अपना काम वहां पर कर रहा था, कोई बहुत भीड़ भी नहीं थी, जो मीडियाकर्मी वहां थे उनके पास पासेस थे, ऐसे समय उनको पीटना, उनके ऊपर हमला करना और हाथ नहीं आपको पैर से भी मारेंगे इस प्रकार का वक्तव्य करना, ये सारी चीजें बहुत ही गलत है। एक प्रकार से डंडे के भरोसे अगर सरकार मीडिया को डराना चाहती है तो ये ठीक भी नहीं है। और प्राय हमने पिछले 1.5-2 साल में इस सरकार में देखा है कि लगातार मीडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है, कभी गलत FIR दाखिल किए जाते हैं, किसी को अरेस्ट किया जाता है, एक प्रकार से मीडिया को प्रेशर में रखने का काम ये सरकार कर रही है। आज की घटना तो बिल्कुल गलत है। हमारी मांग है कि जो पुलिस कर्मी है उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।